हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड यानी न्यूअर मशीनिंग मेथड लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उपयोगी अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है। लेज़र बीम मशीनिंग एक थर्मल प्रक्रिया है जो धातु और गैर धातु वर्क पीसेस की सतह पर कणों को पिघलाने और वाष्पित करने के लिए एक उच्च ऊर्जा की कोहेरेंट यानी सुसंगत प्रकाश किरण का उपयोग करती है। लेजर का उपयोग कट, ड्रिल, वेल्ड और मार्क के लिए किया जा सकता है। लेजर को एल्बियम बोलते हैं। एल्बियम एक विशेष रूप से एक्यूरेटली प्लेस्ड होल्स बनाने के लिए उपयुक्त होती है। लेजर बीम मशीनिंग एल्बियम किस सिद्धांत पर काम करता है? एल्बियम का सिद्धांत यह है कि जब उच्च ऊर्जा वाला लेजर बीम वर्कपीस की सतह पर गिरता है तो लेजर किरण द्वारा निहित ऊष्मा ऊर्जा वर्कपीस की सतह पर स्थानांतरित हो जाती है। यह ऊष्मा ऊर्जा सतह द्वारा अवशोषित होती है और वर्कपीस सतह पिघलती है और वाष्पीकृत होती है। इस प्रकार से एल्बियम द्वारा मशीनिंग की जाती है। तो अगर हम इसको सरल शब्दों में समझेंगे तो उसका अर्थ यह है कि एल्बियम, ये पहली बात तो यह है कि ये थर्मल एनर्जी पर काम करता है एल्बियम मशीनिंग। तो एल्बियम में जो हम लेजर उत्पन्न करते हैं वो लेजर वर्कपीस पर जब गिरती है तो वर्कपीस पर लेजर में जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो वर्कपीस की सतह पर स्थानांतरित हो जाएगी। और जैसे ही वह ऊष्मा वर्कपीस की सतह पर अवशोषित होगी तो ऊर्जा के ऊष्मा के कारण से जो सतह है वह पिघलेगी और वाष्पीकृत होगी। तो इस तरह से सतह की मशीनिंग हो जाएगी। लेजर होता क्या है? तो लेजर जो शब्द है ये एब्रीवेशन है। इसका अर्थ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह प्रक्रम क्या है, प्रक्रिया क्या है? जब परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक बाहरी स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन जो अपने मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर पर कूदते हैं। यह परमाणु की एक स्थिर स्थिति नहीं होती है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में अवशोषित ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। पर जब यह अपनी मूल स्थिति में लौटता है तो जो इसने अधिक ऊर्जा का जो ऊर्जा का अवशोषण किया था उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जिस तरह से सामान्य तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होता है वैसे ही लेजर द्वारा जो है यह जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई इसकी भी एक आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होता है। यही लेजर का मूल है। जब लेजर मटीरियल को किसी अन्य ऊर्जा के स्रोत की उपस्थिति में रखा जाता है तो ऊर्जा को अवशोषित कर और अवशोषित उसी ऊर्जा को वापस वो लेजर मटेरियल उत्सर्जित करता है। इस उच्च प्रवर्धित प्रकाश किरण को ही लेजर कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि लेजर मटेरियल में जब हम कोई एनर्जी देंगे तो उस लेजर मटेरियल के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होंगी उनकी भी अपनी एक आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होगा। और ये जो तरंगे हैं जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उससे अधिक मात्रा में जो लेजर बनेगी उसकी ऊर्जा होगी। और ये लेजर जब किसी सतह से टकराएगी, किसी वर्कपीस पर गिरेगी तो वो ऊर्जा उस वर्कपीस को ट्रांसमिट करेगी जो थर्मल एनर्जी है और उस वर्कपीस को वो पिघलाने के और मशीनिंग करने के काम आएगा। ये लेजर है। ये लेजर बीम मशीनिंग का यहां डायग्राम शो किया गया है। तो देखिए, लेजर बीम मशीन का सेटअप ऐसा होता है, ये तो लेजर मटेरियल है जैसे कि रूबी क्रिस्टल, इसके साथ ये फ्लैश लैंप है, यहां से हम पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई के अंदर ये जो फ्लैश लैंप और जो लेजर मटेरियल है जैसे यहां रूबी क्रिस्टल है, इसके इस छोर पर यहां एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर। और जिस ओर मशीनिंग करनी है उस ओर यहां पर पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। तो जब लेजर बनेगी तो ये लेजर की बीम है, लेजर की लाइट है।
इसको हम एक लेंस द्वारा एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, जिससे कि ऊर्जा एक पॉइंट पर फोकस हो जाए और फिर ये जो वर्कपीस है इसकी मशीनिंग हो। तो ये इस लेजर बीम मशीनिंग का सेटअप है और यहां पर ये वास्तविक लेजर बीम मशीनिंग होते हुए दिखाया गया है। तो जो लेजर बीम मशीनिंग के पार्ट्स हैं उनमें से एक हुआ पावर सप्लाई, जैसा मैंने आपको चित्र में बताया था। पावर सप्लाई से हम पावर जनरेट करते हैं। इट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो जो हम पावर सप्लाई से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो उस जो मैंने आपको चित्र में दिखाया था उन फ्लैश लैम्प में वो पावर सप्लाई दी जाती है। तो वो फ्लैश लैम्प लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये जो लाइट एनर्जी है ये फिर लेजर मटेरियल पर गिरती है। दूसरा है लेजर डिस्चार्ज ट्यूब। लेजर डिस्चार्ज ट्यूब ये लेजर मटेरियल द्वारा फिल्ड रहती है, तो उस पर जब ज़िनॉन फ्लैश लैम्प के द्वारा लाइट एनर्जी गिरती है तो लेजर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। तो जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तो वो फिर लेजर प्रोड्यूस करते हैं और जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर था उससे वो लेजर बीम ये वर्कपीस की तरफ मेटल की तरफ चले जाती है। तो जैसा मैंने आपको चित्र में बताया था कि एक और पार्शियली ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मिरर था वर्कपीस की तरफ, तो उधर से तो लेजर वर्कपीस की ओर चले जाती है, लेकिन दूसरे छोर पर एक कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल मिरर है, क्योंकि उस ओर से लेजर बीम दूसरी ओर नहीं निकलनी चाहिए। लेजर के मटेरियल क्या होते हैं? तो आम तौर पे CO2 ये लेजर के मटेरियल के रूप में काम आता है, साथ ही साथ नियोडमियम डोब्ड इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट NDYAG नियोडिमियम डोब्ड इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट ये भी एक लेजर मटेरियल के रूप में काम आता है। लेजर कार्बन डाइऑक्साइड जो लेजर मटेरियल है ये इंफ्रारेड रीजन में लेजर प्रोड्यूस करता है और ये 25 किलोवाट तक की पावर कंटिन्यूस वेव्स के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है। जो दूसरा मटेरियल है NDYAG ये लगभग 50 किलोवाट पावर को पल्स के रूप में प्रोड्यूस करता है और 1 किलोवाट पावर को कंटिन्यूस मोड में प्रोड्यूस करता है। आपने चित्र में फोकसिंग लैंप भी देखा होगा। फोकसिंग लैंप ये लेजर जहां प्रोड्यूस हो रही है जिधर से आ रही है उसको वर्कपीस पे कॉन्वेक्स लेंस के रूप में ये होता है, इसलिए वर्कपीस पर एक पॉइंट पर फोकस करने के काम आता है। अब इस लेजर बीम मशीनिंग का प्रोसेस क्या है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं? पहला तो जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया ये लेजर बीम मशीनिंग ये थर्मल एनर्जी के रूप में मटेरियल का वर्कपीस पे से रिमूवल करती है। सर्वप्रथम जो लेजर डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें CO2 या जो भी लेजर मटेरियल है वो भरा जाता है, फिर फ्लैश लैम्प के साथ पावर सप्लाई चालू की जाती है। फ्लैश लैम्प से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होकर लेजर मटेरियल पर गिरती है जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा जब लो एनर्जी लेवल पर आएंगे तो फिर वहां से लेजर प्रोड्यूस होती है। लेजर लाइट को फोकस लैम्प के द्वारा लेंस के द्वारा वर्कपीस पर एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट या कलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये लेजर जो एक बिंदु पर कलेक्ट होकर मटेरियल पर गिरी उस पर लेजर के इम्पिंजमेंट वर्कपीस पे इम्पिंजमेंट के कारण से वो वर्कपीस का क्षेत्र ये मेल्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और वहां पर मशीनिंग हो जाएगी। लेजर बीम मशीनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला तो लेजर पॉइंट ये किसी भी पाथ पर ट्रेवल कर सकता है, इसलिए कटिंग का पाथ हम कोई भी रख सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार के स्ट्रेसेस वर्कपीस में जनरेट नहीं होते, इसलिए फ्रजाइल मटेरियल्स की भी मशीनिंग लेजर बीम मशीनिंग द्वारा कर सकते हैं। बहुत ही हार्ड तथा एब्रेसिव मटेरियल्स के भी
एलबीएम द्वारा मशीनिंग की जा सकती है। और इसी तरह से स्टिकी मटेरियल्स, कोई जो चिकने पदार्थ होते हैं, उनकी भी मशीनिंग एलबीएम द्वारा संभव है। ये एक फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम कॉस्ट का मेथड है। हाईली एक्यूरेट पार्ट्स को प्रोड्यूस करने में एलबीएम उपयोगी है। कटिंग के समय कोई लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता नहीं होती, टूल का वेयर नहीं होता, और इसी तरह से हीट भी केवल नैरो जोन में ही जनरेट होती है, हीट बहुत अधिक जोन में हीट जनरेट नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। बहुत हाई वॉल्यूम अगर बनाने हो तो वहाँ ये प्रोसेस अनइकोनॉमिक होता है। इसी तरह से बहुत अधिक थिकनेस के मटेरियल्स की मशीनिंग इसके द्वारा संभव नहीं, क्योंकि टेपर जनरेट हो जाता है। प्रारंभिक कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट हाई होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, और मशीनिंग करने में किसी कवर गैस या असिस्टेंस की जरूरत होती है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है? बहुत ही एक्यूरेट होल्स जिनका कि डायमीटर 0.005 मिलीमीटर्स होगा, खासकर रिफ्रैक्टिव मेटल्स लाइक सिरेमिक्स और कंपोजिट मटेरियल्स में, जहाँ पर कि उनकी रैपिंग का चांस रहता हो, वहाँ ऐसे वर्कपीसेस में एलबीएम काम आती है। ड्रिलिंग और कटिंग, खासकर मेटेलिक या नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में ये एलबीएम काम आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में ये एक्सटेंसिवली यूज में आती है। प्रोफाइलिंग, स्क्राइबिंग, एनग्रेविंग, ट्रिमिंग आदि प्रोसेसेस में ये काम आती है। प्रोटोटाइप पार्ट्स जहाँ बनाने होते हैं, वहाँ एलबीएम को यूज़ में लिया जाता है। इसी तरह से जो नॉन स्टैंडर्ड शेप है होल्स की, यानी इरेगुलर शेप्स हैं या स्लॉट्स हैं, प्रोफाइलिंग है, या फिर सिलिकॉन वेफर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो काम आता है, उनके कुछ फीचर्स डेवलप करने हैं। स्मॉल डायमीटर लुब्रिकेटिंग होल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और इसी तरह से बहुत ही थिन या डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करने में एलबीएम उपयोग में ली जाती है। आइए अब कुछ लेजर बीम मशीनिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आपने जो समझा है या पढ़ा है वो आपका और भी आपको स्पष्ट हो जाए तथा तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LBM इन एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेसेस, एंड द ऑप्शंस आर लेजर बीम मैन्युफैक्चरिंग, लेजर बीम मशीनिंग, लाइट ब्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइट बीम मशीनिंग। इसका आंसर सोचिए, 15 सेकंड का समय है आपके लिए। जी, इसका सही उत्तर है आंसर नंबर बी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलबीएम इज लेजर बीम मशीनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलबीएम ऑफर्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर विच मटेरियल प्रॉपर्टीज बिलो। एलबीएम कौन से मटेरियल प्रॉपर्टीज के अंदर हमको एक अच्छा विकल्प देता है मशीनिंग के लिए, एंड द ऑप्शंस आर थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग टेम्परेचर एंड डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो विचार करिए, एलबीएम ऑफर्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर विच मटेरियल प्रॉपर्टीज बिलो। और आपका उत्तर है आंसर डी, यानी सभी थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट या बॉइलिंग टेम्परेचर, किसी भी प्रकार की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हों, उनमें एलबीएम को हम एक अच्छे सॉल्यूशन के रूप में मशीनिंग के लिए काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ लेज़र, लेज़र किसे कहते हैं? लाइट अलाउड सिंपल एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी लाइट एम्प्लीफाइड स्टिमुलस एमिशन ऑफ रेज, या ऑप्शन डी लाइट एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेज। तो लेजर जो एब्रीवेशन है, ये किसका एब्रीवेशन है? और सही उत्तर है आंसर बी,
दैट इज फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लेजर। इनमें से कौन सी लेजर की प्रॉपर्टीज या लेजर के गुणधर्म होते हैं? ऑप्शन ए हाईली कॉलिमेटेड, ऑप्शन बी मोनोक्रोमैटिक, सी कोहेरेंट लाइट बीम या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। हाईली कॉलिमेटेड एक बिंदु पर हम उनको संग्रहित करते हैं, दूसरा एकवर्णी प्रकाश होता है, तीसरा कोहेरेंट लाइट की बीम होती है, या फिर चौथा, ये सभी गुण लेजर में होते हैं। और आपका उत्तर है आंसर डी एक्सप्लेनेशन, यानी हाईली कॉलिमेटेड, हाई मोनोक्रोमेटिसिटी एंड द कोहेरेंस ऑफ द लाइट बीम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लेजर। एक लेजर में ये सभी गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेजर बीम मशीनिंग यूजेज विच टाइप ऑफ पावर सोर्सेज फॉर मशीनिंग। लेजर बीम मशीनिंग करने में पावर सोर्स किस प्रकार का उपयोग में आता है? ए वेरी लो पावर, बी लो पावर, सी मीडियम पावर या डी हाई पावर। लेजर बीम मशीनिंग में किस प्रकार की पावर ऊर्जा की आवश्यकता होती है? और उत्तर है डी हाई पावर डेंसिटीज आर यूज फॉर द जनरेशन ऑफ लेजर एंड फॉर मशीनिंग इन लेजर बीम मशीनिंग। लेजर उत्पन्न करने के लिए उच्च डेंसिटी की पावर की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी हाई पावर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग। लेजर बीम मशीन में कौन सा लेजर उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट आयन, ऑप्शन बी न्यूट्रल गैस, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। और आपका उत्तर है, आंसर है डी। लेजर सच एज सॉलिड स्टेट आयन, न्यूट्रल गैस, मॉलिक्यूलर, सेमीकंडक्टर एटसेट्रा ऑल कैन बी यूज्ड इन एलबीएम। इनमें से कोई सा भी लेजर बीम मशीनिंग में उपयोग में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप्स ऑफ लेजर्स आर यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग। इनमें से कौन सी लेजर लेजर बीम मशीनिंग में काम में लेते हैं? कंटिन्यूस वेव, बी पल्स मोड, सी ऑल ऑफ द मेंशन्ड या डी इनमें से कोई नहीं। लेजर बीम मशीनिंग में हम किस प्रकार के लेजर को काम में लेते हैं? और आपका उत्तर है, आंसर है सी। लेजर में भी इन कंटिन्यूस वेव और इन पल्स मोड फॉर मशीनिंग एलएलबीएम। लेजर बीम मशीनिंग में हम कंटिन्यूस वेव या पल्स मोड दोनों में से किसी भी प्रकार का लेजर मशीनिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू ऑफ रूबी लेजर यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग। लेजर बीम मशीन में काम आने वाले रूबी लेजर का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? ऑप्शन ए है 633 nm, ऑप्शन बी है 694 nm, ऑप्शन सी इज 856 nm या डी 1064 nm। और इसका सही उत्तर है आंसर बी, यानी 694 nm। जो रूबी लेजर हम लेजर बीम मशीनिंग में उपयोग में लेते हैं उसका जो वेवलेंथ है वो 694 न्यूटन एनएम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू ऑफ NDYAG एंड ND ग्लास लेजर यूज्ड इन LBM। LBM में काम आने वाले NDYAG तथा ND ग्लास लेजर्स का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? ऑप्शन ए 633 nm, ऑप्शन बी 694 nm
ऑप्शन सी 856 nm या ऑप्शन डी 1064 nm। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो हम NDYAG और ND ग्लास लेजर्स एल्बियम में काम में लेते हैं, उनका तरंग दैर्ध्य 1064 nm होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू ऑफ न्यूट्रल गैस लेजर यूज्ड इन LBM? LBM में जो न्यूट्रल गैस लेजर हम काम में लेते हैं, अब की बार उसका वेवलेंथ की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन ए है 633 nm, ऑप्शन बी इज 694 nm, ऑप्शन सी 856 nm और ऑप्शन डी 1064 nm। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रल गैस लेजर इज यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग इज 633 nm। एंड अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू ऑफ CO2 लेजर यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग? एंड द ऑप्शंस आर ए 0.16 माइक्रोमीटर, बी 1.6 माइक्रोमीटर, सी 10.6 माइक्रोमीटर और डी 106 माइक्रोमीटर्स। थिंक। एंड द आंसर इज आंसर सी, ऑप्शन सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ CO2 लेजर यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग इज 10.6 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ ऑफ GaAs लेजर यूज्ड इन LBM? एंड द लिमिट्स आर 100 टू 200 नैनोमीटर्स, 200 टू 400 नैनोमीटर्स, 600 टू 700 नैनोमीटर्स और ऑप्शन डी इज 800 टू 900 नैनोमीटर्स। प्लीज थिंक अबाउट द आंसर। ओके, द आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ GaAs लेजर यूज्ड इन LBM रेंज फ्रॉम 800 टू 900 नैनोमीटर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्साइमर लेजर यूज्ड इन LBM? एंड द ऑप्शंस आर ए 100 टू 200, बी 200 टू 500, सी 600 टू 700 और डी 800 टू 900 नैनोमीटर्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, एक्साइमर लेजर यूज्ड इन LBM रेंज, लेजर यूज्ड इन LBM हैज द वेवलेंथ ऑफ 200 टू 500 न्यूटन मीटर्स। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ ऑफ आर्गन लेजर यूज्ड इन LBM? एंड योर ऑप्शंस आर 120 टू 203, 220 टू 310, ऑप्शन सी 330 टू 530 और ऑप्शन डी 762 टू 940 नैनोमीटर्स। एंड द आंसर इज यस, द आंसर इज ऑप्शन सी, वेवलेंथ ऑफ आर्गन लेजर यूज्ड इन LBM रेंज फ्रॉम 330 टू 530 नैनोमीटर्स। ओके, तो मैंने आपको इस वीडियो में लेज़र बीम मशीनिंग को समझाया तथा साथ ही हमने लेज़र बीम मशीनिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम दूसरे एक मशीनिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे और उसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।